अस्सलाम वालेकुम। टुडे आई एम गोइंग टू शेयर अ वेरी स्पेशल रेसिपी जो कि मेरी अम्मी की है। इट्स आलू सालन मेड इन चिकन, और ये थोड़ा सा डिफरेंट है। प्याज टमाटर को ब्लेंड करके बनाई जाती है, एंड हूएवर हैज़ कंज्यूम्ड या जिस किसी ने भी खाई है उसको बहुत पसंद आती है कि सब फिर फरमाइश करते हैं कि और बनाएं, फिर खिलाएं, आलू सालन कब पकाएंगी। तो आई एम जस्ट शेयरिंग दिस रेसिपी। तो अभी मैंने पतीली में आधा कप के करीब तेल डाला है, एंड व्हाट यू हैव टू डू इज, सबसे इसकी अच्छी बात यह है कि यू हैव टू पुट ऑल द इंग्रेडिएंट्स एट द सेम टाइम। चूल्हा जलाइए और फिर इसको आधे पौने घंटे के लिए छोड़ दीजिए। जब आपकी चिकन गल जाए, आलू गल जाए, तो जस्ट कीप इट ऑन सिमरिंग के गरम मसाला और हरी मिर्च डाल के आपने उसको थोड़ा सा हल्की आंच पे छोड़ दिया, और फिर अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायर्ड ग्रेवी जितनी भी आपको पतली रखनी है उस हिसाब से रखें, फिर आप बस इसको सर्व करिए नान के साथ, चपाती के साथ, जैसे भी। तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, शुरू करते हैं। अभी तेल हाफ कप डाल दिया है, अब मैं और सारी चीज़ें डाल रही हूँ। चिकन के आप 6 to 8 पीसेस ले लीजिए, ठीक है। आलू आप ले लीजिए 4 से 5, बच्चे माशाल्लाह बहुत शौक़ से खाते हैं इसलिए मैंने 5 आलू लिए थे, उसको हाफ करके फिर हाफ कर लिया। अब आप इसमें डालेंगे 2 चमचे नमक, टीस्पून। अगर आपको स्पाइसी चाहिए तो यू कैन ऐड 3 to 4 टीस्पून लाल मिर्च, वरना नॉर्मली 2 चमचे लाल मिर्च होंगे। वन टीस्पून हल्दी, 2 tablespoons के करीब धनिया पाउडर, नो गरम मसाला इज एडेड, नथिंग। और इसका मैजिक इंग्रेडिएंट है करी पाउडर, जो कि यूजली बाजार में मिलता है प्रिपेयर्ड। तो 1 tablespoon करी पाउडर, इसमें कोई लाल प्याज नहीं है, इसका सिर्फ मैजिक इंग्रेडिएंट है ब्लेंडेड ब्लेंडेड आपके अनियन पेस्ट और टमेटो पेस्ट। अब हम इसमें डाल रहे हैं अनियन पेस्ट तकरीबन 2 कप के करीब। देखा आपने मेरी ने और आलियों ने शोर मचाना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको पता है कि उनको इतने कलर्स मिल रहे हैं। एनीवेज, 4 हाफ कप कह लीजिए या 2 कप कह लीजिए, हमने डाल दिया है ब्लेंडेड टमेटोज का। इसी तरह हम 3 नहीं बल्कि 1 full cup मैं कह लूँ, वो ज़्यादा ईजी रहेगा, वरना तो आप लोग कंफ्यूज होंगे। 1 cup full आप डाल दीजिए टमेटो पेस्ट का। टमेटो पेस्ट के लिए व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट सिंपली ब्लांच द पोटैटोस, ब्लेंड, और योर टमेटो ब्लेंडेड टमेटो इज रेडी। तो बस अब आपको इसकी कुछ जो शक्ल नज़र आ रही है, मिक्स ऑल द इंग्रेडिएंट्स वेल, और फिर आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको पकने दीजिएगा। वैसे भी मुर्गी है, बहुत जल्दी गल जाती है, तो हाफ एन आवर के बाद फिर हम इसको देखेंगे। लेकिन अभी मैं इसको थोड़ा सा, इसमें जोश आ जाए, थोड़ा सा बबल्स आने लगें, तो फिर इसमें फिर पानी डाल के फिर जो है हम इसको ढक के पकने के लिए छोड़ देंगे। कोई टिपिकल स्टाइल का ये खाना नहीं है कि खड़े हुए जो है आप मसाले भून रहे हैं और कर रहे हैं। इट्स अ वेरी सिंपल डिश और ईजी है। सबसे ज़्यादा अच्छी बात यह है कि बहुत ईजी है, यू डोंट हैव टू स्टैंड इन द किचन फॉर आवर्स टू जस्ट प्रिपेयर कि आप भून रहे हैं और कर रहे हैं।
जी, कुछ खाने ऐसे होते हैं जिनमें इतनी ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत होती है, तो अकॉर्डिंगली आप फिर उस हिसाब से करें, लेकिन इट्स अ वेरी सिंपल एंड ईजी डिश, मुश्किल नहीं लगता बनाने में अगर आपने टमाटर और प्याज ब्लेंड करके पहले से करके रखे हुए हैं तो। इट्स रियली वेरी ईजी टू प्रिपेयर दिस फूड, आलू सालन विथ चिकन। जी, आपको नज़र आ रहा है इसमें बबल्स आ रहे हैं, ये पकना शुरू हो गया है। मैंने उसमें 2 से 2.5 कप के करीब पानी डाल दिया था, बस अब हम इसको कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे, और जैसे ही ये फिर 1/2 आवर में रेडी होगा फिर हम इसको हल्की आंच पे दम पे छोड़ देंगे। अराउंड 15 मिनट्स हो गए हैं इसको पकते हुए, और मैंने सोचा बस इसको थोड़ा सा देख लूँ, चमचा चला लूँ। खुशबू माशाल्लाह बहुत प्यारी आ रही है, पूरे घर में इसकी खुशबू महक रही है, तो बस इसको दोबारा से कवर करते हैं, फिर और 15 मिनट्स के बाद इसको दोबारा से देखेंगे। 1/2 आवर हो चुका है और हमारा गोश्त तो अल्लाह का शुक्र बहुत अच्छा सा गल गया है, और बस अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा ऊपर से 1/2 टीस्पून के करीब गरम मसाला डालेंगे, हरा धनिया डालेंगे, हरी मिर्च डालेंगे और इसको दम पे रखेंगे। ये 1/2 टीस्पून के करीब इसमें डाला गरम मसाला, ये हरी मिर्चें और थोड़ा सा हरा धनिया। बाकी हरा धनिया हम जो है गार्निश करते हुए जब डिश आउट करेंगे उस पर डालेंगे, और बस अब इसको हल्की आंच पे सिमरिंग के लिए छोड़ रही हूँ 10 से 15 मिनट, फिर मैं चूल्हा बंद कर दूँगी, फिर जब डिश आउट करूँगी तो आप लोग को दिखाऊँगी। जी, तो अब हमारा सालन बिल्कुल रेडी हो गया है, आपको नज़र आ रहा होगा कि इसके ऊपर तेल भी नज़र, जो इसको रौनक कहते हैं ना सालन की, रौनक भी नज़र आ रही है। बस अब मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ, थोड़ा सा हरा धनिया, अदरक और हरी मिर्च के साथ गार्निश करके। जी जनाब, मैंने सालन को डिश आउट कर लिया है जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, एंड आई एम सर्विंग इट विथ खमीरी रोटी, नान, वॉट एवर यू कॉल इट, और डू ट्राई द रेसिपी एंड लेट मी नो, होपफुली इंशाल्लाह इट विल डेफिनेटली टर्न आउट वेल, जस्ट फॉलो द सिंपल स्टेप्स, क्योंकि ये कोई ऐसा मुश्किल नहीं है बनाना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।